ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं रक्त की कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, यानी कि खून की कमी, यानी कि एनीमिक पेशेंट कैसे सही हो सकते हैं। मित्रों, आज ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आज की जो युवा पीढ़ी है, जिसमें खासकर बेटियां, वो पतले ही रहना चाहती हैं और उस चक्कर में वो कई बार खान पान पर ध्यान नहीं देती हैं और एनीमिक पेशेंट हो जाती हैं। उसके अलावा बहुत से कारण और होते हैं, कई बार महिलाओं में जो रक्त जाता है महावारी के समय, और उसके अलावा कई बार प्रसव के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद भी खून की कमी हो जाती है, और इसके अलावा कई बार लंबी बीमारी से जब उठते हैं तो खून की कमी हो जाती है, कुपोषण की स्थिति में भी खून की कमी हो जाती है, और कई बार चोट आदि लगने से जब रक्त अधिक बह जाता है ऐसी स्थिति में भी खून की कमी हो जाती है। तो ये कुछ रक्त कमी होने के कारण होते हैं, और इसका पता कैसे चलता है? सामान्य स्थिति में लोगों को चक्कर आते हैं, काम करने में मन नहीं लगता, उसके अलावा त्वचा के में त्वचा पीली पड़ जाती है, नाखून पीले पड़ जाते हैं, और ऐसे दबाओ तो नाखून को ऐसे दबाओ तो पीलापन विशेष पता चल जाता है, आँखें पीली पीली हो जाती हैं, आँखें ऐसे देखो तो वहाँ पीला वो सफ़ेद या पीलापन दिखाई देता है, हल्का सा लाल जो होना चाहिए, गुलाबी जैसा होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो इससे पता चल जाता है कि ये रक्त की कमी है इनको। अच्छा, अब ये पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो मात्रा है वो 14 से 18 सामान्य मानी जाती है। कम से कम 14 हीमोग्लोबिन पुरुषों में हो तो सामान्य माना जाता है, सही माना जाता है, उससे कम है तो कम माना जाता है। वहीं महिलाओं में इसका स्तर करीब 12 से 16 के बीच में रहता है, कि महिलाओं में महावारी का जो रक्त जाता है उसकी वजह से उनमें विशेष थोड़ी कमी रहती है, तो इसलिए उनका प्रमाण थोड़ा कम रहता है, पर ये सामान्य कहा जाता है। अब रक्त बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। मित्रों, हमारे पास बहुत से लोग फ़ोन करके कहते हैं कि हम सब चीज़ें खाते हैं रक्त बढ़ाने वाली, हम हर चीज़ ले रहे हैं, लेकिन हमारी रक्त की कमी को हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? मित्रों, एक बात, एक बाल्टी भरी हुई है वो गंदे पानी से भरी है, यदि आप उसमें साफ पानी का नल चालू कर देते हैं तो उसको बाल्टी को साफ पानी से भरने में बहुत अधिक समय लग जाता है, लेकिन यदि उस बाल्टी को आप खाली करके पुनः पानी पूरा भरें तो पानी जल्दी साफ भरा जाता है। वैसे यदि आपकी देह के भीतर पहले से ही रोग और बहुत सारा दूषण और मन में दूषण भरा पड़ा है तो आप कैसे भी ये सारी चीज़ें खा के अपने रक्त की कमी को दूर नहीं कर सकते। रक्त की कमी को यदि आपको ठीक करना है तो आपको सबसे पहले वीडियो विवरण की वीडियोस देख के नियम पालन प्राणायाम करना होगा। उसके साथ यदि आप जो चीज़ें खाने वाली, अभी हम वो भी बता देंगे कि आपको क्या क्या सेवन करना है और कैसे सेवन करना है, तो उसके साथ यदि आप वो सेवन करते हैं तो आप अपनी रक्त की कमी को दूर कर पाएंगे। मित्रों, आपकी देह में कैसा भी कोई भी रोग है उसके लिए हमने वीडियोस दे रखे हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं हमारी, उनमें अलग अलग वीडियोस हमने दिए हुए हैं, उन वीडियोस में जाकर आप अपनी बीमारी के अनुसार वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर अपने रोग के अनुसार वीडियोस देखकर और नियम पालन प्राणायाम करके आप अपनी देह के रोग को ठीक करने का प्रयास करें। उसके साथ में रक्त की कमी को दूर करने के लिए हम जो आपको बता रहे हैं उन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आप अपनी रक्त की कमी को बहुत जल्दी दूर कर पाएंगे। अर्थात नियम पालन प्राणायाम के साथ आपको क्या क्या सेवन करना है हम उस पर चर्चा कर लें। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं तिल और शहद की। तिल आपको क्या करना है, तिल आपको 2-4 घंटे के लिए भिगा देना है, यदि आप भिगा के लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, यदि अंकुरित करके लेंगे तो ये अधिक लाभ करता है, और तिल करीब करीब 20 घंटे में अंकुरित हो जाता है, ऐसा मैंने देखा है। काला तिल आपको लेना है, विकल्प ना पूछें, जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें कहीं भी आप विकल्प ना मांगे, क्योंकि मैं विकल्प नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं जो बताती हूँ आपको मेरे पास लास्ट वही होता है, तो विकल्प होते नहीं है, तो अब जब विकल्प पूछते तो मैं बड़ा परेशान हो जाती हूँ, कृपया विकल्प ना पूछें। तो काला तिल आपको लेना है, काले तिल को आप क्या करेंगे, भिगा देंगे और उसको पीस के उसमें 2 चम्मच शहद, जैसा आपको सही लगे, खाने में टेस्टी भी लगना चाहिए, स्वादिष्ट हो जाता है ये, और इसका यदि आप सुबह शाम 2 टाइम सेवन करते हैं, भोजन से 1 घंटा पहले सेवन करें ताकि इसको अच्छे से समय मिले अच्छे अपना पचने में, तो सुबह शाम आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ये हीमोग्लोबिन काफ़ी अच्छी तरह बढ़ाता है। उसके अलावा चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें, चाय कॉफ़ी जो है नींद को ख़त्म करती है और इससे कई बार भूख मर जाती है तो खाने पीने की इच्छा ही कई बार नष्ट हो जाती है, जिससे भी खून की कमी हो जाती है। उसके अलावा ठंडे जल से स्नान करें, यदि आप ठंडे जल से स्नान करते हैं तो आपकी देह में रक्त का प्रवाह जो है वो ठीक से होता है और उसकी वजह से भी आपका जब रक्त संचरण ठीक से होगा तो उसको हमने एक बात सुनी है, बहता पानी निर्मल होता है और जो ठहरा हुआ पानी है वो गंदा हो जाता है, तो यदि रक्त परिभ्रमण ठीक से होगा तो आपका पानी वो रक्त स्वच्छ रहेगा। और हाँ, ठंडे जल से स्नान करने के बाद सुबह सुबह धूप का सेवन अवश्य करें, वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, वो आपके विटामिन डी को भी बढ़ाएगा और
खून की कमी को भी दूर करेगा। उसके अलावा अंकुरित भोजन आपके लिए काफी लाभकारी है। अंकुरित भोजन यदि आप कोई भी अंकुरित भोजन ले सकते हैं, अंकुरित भोजन में आप मूंग है, चना है, मूंगफली है, ये सारे अंकुरित अनाज आप ले सकते हैं। इनको अंकुरित किया जा सकता है और ये अंकुरित होते हैं, तो आप इनको हल्का सा कच्चा खाएं तो कच्चा भी खा सकते हैं सलाद के रूप में, या तो आप एक काम कर सकते हैं इसको थोड़ा सा मुश्किल से 5 मिनट यदि आप इसको गैस पे चढ़ा दें, मतलब उबाल लें, 5 मिनट का उबालना है, यदि उबलते हुए पानी में भी डाल दें तो 5 मिनट उबलने जैसा हो जाता है, इसमें कच्चेपन का स्वाद मर जाता है, क्योंकि मुझसे कच्चा खाया नहीं जाता, इसे मुझे ऐसा लगता पता नहीं कोई खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा, तो मैं इसको बस ऐसा ही करती हूँ। और कच्चा खा पाए तो सबसे अच्छा है। मूंगफली तो कच्ची भी खाई जा सकती है, क्योंकि मुझसे चने नहीं खाए जाते, जब चने खाने होते तो मैं हल्का सा उसको उबाल लेती हूँ, तो आप भी वैसा कर सकते हैं। यदि आपको कच्चा नहीं खाया जाता है तो हल्का, और उसमें फिर ये चाट जैसा भी बना सकते हैं, पर ध्यान रहे चाट मसाला कम रखें। इसमें टमाटर है, प्याज आप कच्चा काट के डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, फर्स्ट क्लास चाट बन जाता है। आप फर्स्ट क्लास चाट खाएं इसका, कोई भी अनाज का आप चाट बना के खा सकते हैं, अंकुरित अनाज का आपको लाभ करेगा। उसके अलावा आमरस है, मीठा आम होना चाहिए, खट्टे आम के साथ आमरस नहीं बनता है, मीठा आम अच्छे से आप उसका आमरस बनाइए, वो भी काफी लाभकारी होता है। उसके अलावा गुड़ और सिंगदाना, मूंगफली, गुड़ और मूंगफली की आजकल अभी मकर संक्रांति गई है, ये जनवरी का महीना चल रहा है तो मकर संक्रांति गई है, गुड़ और मूंगफली की हमने वो जो पट्टी, कई जगह पट्टी कहते हैं, कई जगह चिकी कहते हैं, वो आप एक बना के खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, वो हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा बनाता है। लेकिन ये घर में बनाए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बाहर जो गुड़ होता है, बाहर वाले जो बनाते हैं, वो तरीका थोड़ा सही नहीं होता कई बार, तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए अच्छा हम घर में बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा सिंघाड़ा जो है वो भी रक्त की कमी को काफ़ी दूर करता है, सिंघाड़े का हलवा बना सकते हैं, उसकी आप रोटी भी बना सकते हैं, पर रोटी उतना अच्छा काम नहीं करती है, गुड़ के साथ यदि इसका हलवा बनाए घी में भून के तो बहुत अच्छा काम करता है। हलवा सामान्य स्थिति से तरीके से आप बना सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके अलावा किशमिश है, मुनक्का है, अंजीर है, ये सभी रक्त को, रक्त की कमी को दूर करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। लेकिन हर किसी की स्थिति नहीं होती कि भाई ये चीज़ें खा सकें, तो कोई बात नहीं, आप ड्राई फ्रूट को हटा दीजिए, पर ड्राई फ्रूट आप जब भी खाएंगे, आप बिना भिगाए ड्राई फ्रूट नहीं खाएंगे। बिना भिगाए ड्राई फ्रूट खाने से कभी कभी किसी में गर्मी बढ़ जाती है और वो हानिकारक हो जाते हैं। और ड्राई फ्रूट यदि आप खा रहे हैं तो कभी भी उसके ऊपर से पानी नहीं पीना। ये जो आप ड्राई फ्रूट लेंगे, जो भी आप किशमिश मुनक्का जो भी आप लेंगे, उनको आपको क्या करना है, भिगा लेना है, पानी में भिगा देना, उसके बाद आप इसको पीस के और दूध में भी ले सकते हैं उसके ऊपर दूध, और नहीं तो इसको पहले ऐसे खा लें उसके ऊपर से दूध पी लें, वो भी काफी अच्छा काम करेगा। तो इस तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा हर तरीके की दालें आपको काम आएंगी, दाल आप खाएंगे, दालों में भी अच्छा प्रोटीन और आयरन मिल जाता है, तो आप उसका सेवन करें। और सबसे जरूरी काम जो है, हरी पत्तेदार सब्जियां आप लोहे की कढ़ाई में पकाइए, बहुत अच्छा काम करेगी। हाँ, दालें जो पकाएंगे वो मिट्टी के बर्तन में पकाइए, बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छे से उसमें आपको सारे पोषक तत्व मिलेंगे, आपकी देह को पोषण मिलेगा। और जो ये सब्जियां बनाते हैं वो लोहे की कढ़ाई में पकाइए, काला बर्तन नहीं, कोई अन्य रंग का बर्तन नहीं, एल्युमिनियम का बर्तन बिल्कुल नहीं हो, चाहे उसमें कोई भी पॉलिश आदि हो, वो सारे बर्तन वर्जित होते हैं रसोई के लिए। लोहे की कढ़ाई जैसी कोई बर्तन नहीं है सब्जी पकाने के लिए और तड़का देने के लिए, तो लोहे की कढ़ाई का आप इस्तेमाल करिए, आपके आयरन की कमी वैसे ही दूर हो जाएगी। उसके अलावा हर तरीके का फल आप खा सकते हैं, अमरूद है, पपीता है, चीकू है, अनार है, इन सब में कैल्शियम, आयरन और कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, आप इनको भी ले सकते हैं। उसके अलावा आंवले का रस, जामुन का रस और सेब का रस, और ये भी आप सेवन करें, इससे भी हर फल का रस आप सेवन कर सकते हैं। और एक चुकंदर, बीटरूट जिसको बोलते हैं, बीटरूट को आप उबाल लीजिए या उसको भून लीजिए, भूनने के बाद उसका छिलका उतार दीजिए और आप उसको भी ऐसे सेवन करें, उसमें भी बहुत अच्छा आपका बढ़ सकता है। और बीट और गाजर का जो रस है, बीट, गाजर, पालक, इनके रस भी आपको काफ़ी अच्छा काम करेंगे हीमोग्लोबिन बढ़ाने में। उसके अलावा पालक और टमाटर का जो सूप बनता है वो भी बहुत अच्छा होता है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, तो आप इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार के सूप, सलाद आदि सेवन कर सकते हैं, ये सब आपको रक्त बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। मित्रों, एक बात ध्यान रखें, जब आप अच्छे मन से, अच्छे तरीके से, जब आप नियम पालन करने के साथ यदि ये सब चीज़ें सेवन करेंगे, तो ये आपकी देह को अवश्य पोषण देंगे और आपकी देह को संपूर्ण स्वस्थ करने में, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बहुत अच्छी सहायता देंगे। लेकिन आपको सारी चीज़ें साथ में ध्यान रखनी होगी। और यदि कोई प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए। और जो हमने आपको पहले ही निर्देश दे दिए कि वीडियो विवरण के वीडियो, और हमने जो पहले निर्देश दिए थे उनका पालन करें, और उन्हीं वीडियो विवरण के वीडियोज में मेरा नंबर है, लेकिन फोन करने से पहले नियम पालन प्राणायाम अवश्य करें, अन्यथा मुझे निर्देश वही देना होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।